आज मैकेनिक शॉप भी खुल रही है और देखेंगे पार्ट्स भी अगर मिलते हैं तो उधर चलते हैं। तो आज उसके मैकेनिकल काम भी करवाते हैं और पार्ट्स वगैरह देखते हैं, क्या पता आज ओपन हो और शायद मिल जाए, शायद ना ना कोई फाइनल रिपोर्ट है या पता है कि खुली हुई है या नहीं। बहरहाल जाके चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। डैशबोर्ड की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं और तो ये डेफिनेटली रिप्लेस होने वाला था। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और पूरा जो है सुल्तान का खूह सब क्लोज था, तो इनको कोई परमिशन पार्ट्स वाले को नहीं मिली थी। तो ये हम कबाड़ गली में ज़रा राउंड मार रहे हैं और हम आगे पीछे पार्ट्स वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों के जो है शेल्स पड़े हमें मिले हैं, एक मेहरान है, ये बोलान है। तो शॉप्स वगैरह तो बंद थी लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे वैसे ही, और ये शेल्स वगैरह तो बाहर ही होते हैं बेशक शॉप्स ओपन हो या क्लोज हो। तो ये मेहरान का शेल और पीछे इसके कैरी बोलान सुजुकी है, और ये एक 74 की करोला है जिसका शेल पड़ा हुआ है। गाड़ी सारी स्ट्रिप हुई है, कोई पार्ट्स वगैरह नहीं है गाड़ी पे। तो ये कैरी बोलान एक्सीडेंट हुआ हुआ और वो कई 1980 मॉडल करोला, ये कैरी है सुजुकी बोलान। तो ये 84 शराड का एक शेल पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो ये गाड़ी पूरी थी, तो हमने इसमें से कुछ पार्ट्स उनको बोले थे कि हमें चाहिए। तो अभी हम आए हैं नेक्स्ट टाइम तो ये गाड़ी सारी स्ट्रिप हुई हुई है, सारे पार्ट्स इसमें से निकले हुए और बेर शेल में गाड़ी। तो ये एक टोयोटा का इंजन पड़ा हुआ है और ये डाटसन का, निसान डाटसन जो होती है 125 का इंजन है, और ये लैंसर एक खड़ी हुई है। तो जब तक थोड़ी देर थी तो तब तक हमने सोचा कि हम गाड़ी का अपना कार्बोरेटर चेक करवा लेते हैं मैकेनिक से। तो जब हमने मैकेनिक को चेक करवाया तो उसने बताया कि ये इसका कार्बोरेटर रिप्लेस होगा और इस पर टोटल 14,000 रुपीज़ जो होगा ना इस पर लेबर और कार्बोरेटर का होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे बजट से ऊपर था। तो हमने इस पर थोड़ा वेट किया पार्ट्स के बाद का। जैसे कि मैकेनिक ने हमें बताया कि कार्बोरेटर तो 14,000 रुपीज़ लेबर समेत होगा, तो हम थोड़ा सा उस टाइम डिसअपॉइंट हो गए कि हम जो कार्बोरेटर है वो तो नहीं बाय कर सकेंगे क्योंकि जो शॉप्स हैं वो भी क्लोज है, हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं हैं। तो हम जिसके पास जा रहे थे बॉडी पार्ट्स लेने के लिए गाड़ी के, तो हमने सोचा हम उसी से पता करेंगे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनसे भी बात की कि हमें एक 95 होंडा का कार्बोरेटर अरेंज करके दें। तो ये आपने दो गाड़ियाँ जो देखी हैं ना, ये दोनों होंडा है और दोनों आप मॉडल हैं हमारी गाड़ी से, लेकिन सिमिलर होता है डैशबोर्ड जो होता है वो सिमिलर होता है। तो इन मॉडल्स का 84 86 का ना ये सिमिलर होता है। तो इनमें से अभी ये सिस्टम जो होता है ये जंक यार्ड सिस्टम आप समझने होता है कि आप जो है ना गाड़ी जा सकते हैं और अगर आप उनके पास गाड़ी मौजूद है उनके पास तो आप उसमें से जो पार्ट्स है ना वो पुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही था इधर भी, तो हमने इस पर दो होंडा थी तो हमारे पास ऑप्शन दो थे, उसमें से हमने पार्ट्स पुल करने थे। तो हमें जो डैशबोर्ड जो है अच्छा लगा, बेहतर लगा, तो हमने वो वाला उसमें से पुल करवा लिया। तो ये अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, कौन सा डैशबोर्ड जो है हमने पुल करवाया। I don't know.
बाकी बलों के मन बेसिकली। तो हमने कोशिश की है कम से कम वीडियो बनाए, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दें बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये हमने पार्ट्स वगैरह खरीद दिए थे जिसमें स्टेयरिंग था और डैशबोर्ड था और ग्रिल थी और क्लस्टर था इंस्ट्रूमेंटल, और इसके अलावा एग्जॉस्ट था एक बहुत अच्छा जो मिला हमें, और इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे पेट्रोल का कैप था और ऐसी चीज़ें थी। अच्छा जी, तो ये कार्बोरेटर जो एग्जैक्ट सेम हमारी गाड़ी का है 95 की होंडा सिविक का, ये हमें मिल गया था। और इसके अलावा जो कुछ मजीद चीज़ें थी डैशबोर्ड की और वो सब जो थी गाड़ी की ट्रंक में और ऑलरेडी मौजूद थी। तो ये मीटर गाड़ी का, इसके पीछे LED लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा कंडीशन में ये भी हमें मिल गया था। तो ये डैशबोर्ड है जो हमने बाय की है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि आपको पता है पुरानी गाड़ी है और पुरानी गाड़ी में ऐसी कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको प्राइसेस वगैरह जाननी है, अगर आप जाते हैं प्राइस वगैरह इंटरेस्ट है आपको जानने में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें नीचे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे सेशन में सारी प्राइसेस बता के और उसकी जो हमने चीज़ें बाई की हैं उसकी सारी फिटिंग करेंगे, खुद ही करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।